Students, today we read the fourth chapter of fourth class, and the name of the chapter is Work Around Us. Now we start reading. Look around you, यानी अपने चारों ओर देखें. You will find people need money to buy foods, clothes, houses and many other things. यानी लोगों को, व्यक्तियों को किसकी ज़रूरत होती है? पैसों की. किस क्या टू बाय, क्या खरीदने के लिए? फूड्स, क्लोथ्स, हाउसेज एंड मैनी अदर थिंग्स, यानी खाने के लिए, कपड़े के लिए, घर के लिए, और भी अगर अदर थिंग्स, यानी और भी दूसरी चीज़ों के लिए, दूसरी चीज़ों को खरीदने के लिए लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है. दे गेट मनी बाई वर्किंग, और उनको मनी यानी पैसे कहाँ से मिलते हैं? बाई वर्किंग, यानी जब वो काम करते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं. डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, यानी अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग टाइप्स यानी प्रकार के काम करते हैं. दिस वर्क इज कॉल्ड देयर ऑक्यूपेशन, और जो वो काम करते हैं वो उनका क्या कहलाता है? ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय. पीपल टेक अप एन ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड वॉट दे कैन डू, यानी लोग जो है वो अपना ऑक्यूपेशन कैसे चुनते हैं? जो उनकी ज़रूरत होती है या फिर जो काम वो कर सकते हैं, जो काम वो कर सकते हैं और जिनकी उनको ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग यानी उसके हिसाब से वो अपना ऑक्यूपेशन है वो चुनते हैं. पीपल वर्क एज फार्मर्स, कारपेंटर्स, कॉबलर्स, टेलर्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर्स, लेबरर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज एंड टीचर्स, यानी इन सारे ऑक्यूपेशंस में लोग जो हैं वो काम करते हैं. सम पीपल वर्क इन ऑफिस ऑल्सो, यानी कुछ लोग जो हैं वो ऑफिस में भी काम करते हैं. द वर्क डन बाई डिफरेंट पीपल हेल्प्स अस इन मैनी वेज, यानी जो अलग अलग लोगों के द्वारा काम किया जाता है वो हमें बहुत सारी तरीक़ों से मदद करता है. अब देखिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क यानी अलग अलग प्रकार के कार्य या फिर काम. देर आर मैनी पीपल हु हेल्प अस इन आवर एवरी डे लाइफ, यानी बहुत सारे लोग जो है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी मदद करते हैं. दीज पीपल मेक अवर लाइव्स मोर कम्फर्टेबल, और ये जो लोग होते हैं वो हमारे रहन सहन को क्या बनाते हैं? मोर कम्फर्टेबल यानी आरामदायक, और भी ज़्यादा आरामदायक बनाते हैं. लेट अस नो मोर अबाउट देम बाई टॉकिंग टू देम अबाउट देयर वर्क, द टूल्स दे यूज एंड नोइंग हाउ दे लर्न देयर स्किल, यानी इनके बारे में और ज़्यादा जानते हैं किससे? उनसे बात करके उनके बारे में और ज़्यादा जानते हैं, उनके काम के बारे में. द टूल्स दे यूज़ यानी जो औज़ार वो काम में लेते हैं और उन्होंने जो अपनी स्किल है, अपना हुनर है, वो किन से सीखा है, ये उनके बारे में जानते हैं. अब ये देखिए, पॉटर मीन्स क्या होता है? कुम्हार, यानी जो घड़े बनाता है उसको क्या बोलते हैं? पॉटर. रहमान इज़ ए पॉटर, यानी रहमान क्या है? एक कुम्हार है. ही मेक्स अस ब्यूटिफुल डजन ऑफ क्ले पॉट्स बिग एंड स्मॉल एवरी डे ऑन हिज पॉटर्स व्हील, यानी वो क्या बनाता है? ब्यूटीफुल डजन्स ऑफ क्ले पॉट्स यानी मिट्टी के घड़े बनाते हैं. डजन्स यानी बहुत सारे, एक डजन में 12 आइटम होते हैं, 12 पीस होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं. एक डजन में 12, अगर एक डजन हम मटके खरीदेंगे तो कितने होंगे? 12, यानी नंबर कितने होंगे इसके? 12 पॉट्स आएंगे, 12 मटके आएंगे, यानी वो बहुत सारे डजन्स क्ले पॉट्स यानी मिट्टी के घड़े बनाता है. बिग एंड स्मॉल, छोटे बड़े, एवरी डे, रोज बनाता है. ऑन हिज पॉटर्स व्हील, यानी उसका एक पहिया है उस पर वो घुमा के मटके बनाता है. दीज पॉट्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज, यानी जो पॉट्स वो मटके हैं वो अलग अलग पर्पजेज यानी उद्देश्यों के काम में लिए जाते हैं, अलग अलग उद्देश्यों से बनाए जाते हैं. जैसे कि लाइक स्टोरिंग वाटर यानी पानी को स्टोर करने के लिए, ग्रोइंग प्लांट्स, पेड़ पौधे उगाने के लिए एक्सेट्रा, यानी और भी चीज़ों में वो मटके काम आते हैं. डिपेंडिंग ऑन देयर शेप्स एंड साइज, वो किस पर निर्भर करता है? उनकी शेप और साइज पे. ही लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स फ्रॉम हिज फादर, यानी उसने घड़े बनाने की जो कला है वो किससे सीखी? फ्रॉम हिज फादर यानी अपने पिताजी से. टेलर, विराट इज़ ए टेलर, यानी विराट क्या है? एक टेलर है. ही स्टिचेस क्लोथ्स यानी वो कपड़े सिलता है. ही यूजेज ए स्विंग मशीन टू डू हिज वर्क, यानी वो अपना काम करने के लिए एक सिलाई मशीन का यूज़ करता है, यानी सिलाई मशीन का उपयोग करता है. ही लर्न स्टिचिंग फ्रॉम हिज मदर, यानी उसने अपने सिलाई का काम है उसने अपने मम्मी से सीखा है. ही कट्स द क्लोथ विद ए पेयर ऑफ सीजर्स एंड देन स्टिचेज इट ऑन हिज स्विंग मशीन, यानी वो एक सीजर्स यानी कैंची की मदद से कपड़ों को काटता है, फिर उन कपड़ों को सिलाई मशीन की मदद से सिलता है. फिर आता है कोबलर यानी मोची. रफ़ीक इज़ ए कॉबलर, यानी रफ़ीक क्या है? एक कॉबलर है. ही मेंड्स एंड पॉलिशेस शूज़, यानी वो जूतों को क्या करता है? सुधारता है और पॉलिश करता है. He also makes new shoes, और वो नए जूते भी बनाता है. He grew up watching his father making things with leather, यानी वो अपने पापा को चमड़े से काम करते हैं यानी चमड़े की चीज़ें बनाते हुए उसने अपने पापा को देखा है.
ही यूजेस नायलन थ्रेड नेल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स फॉर हिज वर्क, यानी वो अपना काम करने के लिए नायलन का थ्रेड एंड नायलन का धागा, नेल्स, कील और भी अलग अलग प्रकार के औजार है वो अपने काम के लिए यूज करता है। फिर आता है मैकेनिक। राजू इज़ अ मैकेनिक। राजू कौन है? एक मैकेनिक। ही वर्क्स इन ए मोटर गैरेज। वो एक मोटर गैरेज में काम करता है। ही रिपेयर्स कार, मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स, यानी वो क्या क्या सुधारता है? कार्स, मोटरसाइकिल और स्कूटर। ही ऑल्सो मेंड्स द पंचर्स ऑफ टायर, यानी वो टायर का पंचर भी सुधारता है, यानी टायर का जो पंचर हो जाते हैं टायर उनको भी बनाता है। ही यूजेज ए स्पैनर, रिंच, स्क्रू ड्राइवर, प्लायर एंड हैमर टू डू हिज वर्क, यानी वो अपना काम करने के लिए कौन कौन से टूल यूज करता है? स्पैनर, रिंच, स्क्रू ड्राइवर, प्लायर एंड हैमर। ही लर्न्ड हिज वर्क इन हिज अंकल्स गैरेज, यानी उसने अपने अंकल के गैरेज में ये काम करना सीखा है। फिर आता है ड्राइवर। मंगल सिंह इज ए बस ड्राइवर, यानी मंगल सिंह कौन है? एक बस ड्राइवर, यानी बस का ड्राइवर है। ही ड्राइव्स ए स्कूल बस, यानी वो एक स्कूल की बस चलाता है या फिर स्कूल की बस ड्राइव करता है। ही हैज़ ए लाइसेंस टू ड्राइव द बस, यानी उसके पास बस चलाने के लिए क्या है? एक लाइसेंस भी है। ही गॉट हिज लाइसेंस आफ्टर पासिंग द ड्राइविंग टेस्ट, यानी उसने ड्राइविंग टेस्ट देने के बाद, पास करने के बाद उसको क्या मिला? उसका ड्राइविंग लाइसेंस। ही लर्न ड्राइविंग फ्रॉम ए ड्राइविंग स्कूल, यानी उसने ड्राइविंग स्कूल से अपनी गाड़ी चलानी सीखी है, फिर ड्राइविंग करना सीखा है। ही इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर, यानी वो एक बहुत ही जिम्मेदार ड्राइवर है एंड फॉलोज द ट्रैफिक रूल्स, और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करता है, ट्रैफिक रूल्स का पालन करता है। फिर आता है गार्डनर। मेघा इज़ ए गार्डनर, यानी मेघा कौन है? एक गार्डनर है, यानी जो गार्डन में काम करते हैं, बगीचे में काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गार्डनर। शी लुक्स आफ्टर अवर स्कूल गार्डन, यानी वो हमारे स्कूल गार्डन की देखभाल करती है। लुक्स आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। शी लुक्स आफ्टर अवर स्कूल गार्डन, यानी हमारे स्कूल के गार्डन यानी बगीचे की देखभाल करती है। शी प्लांट्स वेरियस ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट्स टू मेक अवर स्कूल गार्डन लुक ब्यूटीफुल, वो क्या करती है? बहुत सारे पेड़ पौधे, फूलों वाले पेड़ पौधे लगाती है ताकि हमारा जो ब्यूटी गार्डन है, स्कूल का गार्डन है, वो ब्यूटीफुल दिखे, सुंदर दिखे। शी यूजेज ए स्पेड टू डिग द लैंड, और ज़मीन खोदने के लिए वो किसका यूज़ करती है? स्पेड का। ही यूजेज ए कटर टू ट्रिम द प्लांट्स। ही लर्न द आर्ट ऑफ गार्डनिंग फ्रॉम हिज फादर, वो क्या करती है? कटर का यूज़ करती है ट्रिम द प्लांट्स, यानी प्लांट्स ही पेड़ पौधों को काटने छाटने में कटर का यूज़ करती है, और उसने गार्डनिंग कहाँ से सीखी? अपने पिताजी से। फिर आता है डॉक्टर। डॉक्टर मैथ्यूज इज़ ए डॉक्टर, यानी डॉक्टर मैथ्यू कौन है? एक डॉक्टर है। ही वर्क्स इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल में काम करता है। ही एग्जामिन सिक पीपल एंड एडवाइजेज देम विच मेडिसिन टू टेक, यानी वो एक बीमार लोगों की जांच करता है, उनको एग्जामिन करता है और उनको एडवाइस देता है, सलाह देता है कि उनको कौन सी मेडिसिन या दवाइयाँ लेनी चाहिए। ही लर्न अबाउट मेडिसिन एंड सर्जरीज इन ए मेडिकल कॉलेज, और उसने मेडिसिन दवाइयाँ और सर्जरी के बारे में कहाँ से सीखा? एक मेडिकल कॉलेज से। अब आता है जेंडर एंड वर्क। अर्लियर ओनली मैन वर्क टू अर्न मनी, यानी पहले क्या होता था? सिर्फ जो मैन है, आदमी है, वही पैसे कमाने के लिए काम करते थे। वुमेन वर नॉट इंकरेज टू गो टू स्कूल्स एंड कॉलेज, यानी वुमेन्स यानी महिलाओं को बढ़ावा नहीं दिया जाता था स्कूल और कॉलेज जाने के लिए। दे वर नॉट अलाउड टू डू एनी वर्क और बिजनेस, यानी उनको अलाउ आज्ञा नहीं दी जाती थी, अलाउ नहीं किया जाता था कोई भी काम या बिजनेस करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए। टुडे आजकल टाइम्स हैव बीन चेंज, यानी आज जो है वो समय चेंज हो गया है, टाइम चेंज हो गया है। मैनी वुमेन हैव ऑल्सो ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेज एंड द पुलिस, यानी बहुत सारी जो महिलाएँ हैं उन्होंने आर्म्ड फोर्सेज यानी आर्मी और पुलिस भी ज्वाइन कर रखी है। सिमिलरली इसी तरीके से मैन हैव ऑल्सो वेंचर्ड बियॉन्ड देयर ट्रेडिशनल फील्ड्स ऑफ वर्क, यानी आदमी है जो मैन है, आदमियों ने भी अपने जो ट्रेडिशनल फील्ड है यानी जो पारंपरिक क्षेत्र है जो काम करने का, उससे हटकर काम करने का साहस दिखाया है। दे नाउ वर्क एज ए स्टीवर्ड, शेफ, फैशन डिज़ाइनर, हेयर स्टाइलिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट, यानी जो आदमी है, पुरुष है, वो भी आजकल जैसे फैशन डिज़ाइनर है, हेयर स्टाइलिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है, ऐसे काम आदमी या पुरुष भी करते हैं। Have you heard about the following great women in our society? यानी क्या आपने इन जो great women हैं यानी महान जो महिलाएं हैं इनके बारे में अपनी society समाज में सुना है? किरण बेदी इज़ द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू जॉइन द इंडियन पुलिस सर्विसेज, यानी किरण बेदी एक महिला का नाम है जो कि कौन थी? फर्स्ट इंडियन वूमेन, यानी पहली भारतीय महिला टू जॉइन द इंडियन पुलिस सर्विस, यानी इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन करने वाली कौन थी? पहली भारतीय महिला, यानी फर्स्ट इंडियन वूमेन।
इंडिया की पहली वुमेन जिन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन की, यानी इंडिया की पहली आईपीएस ऑफिसर कौन थी? किरण बेदी। इंदिरा गांधी वॉज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी कौन थी? इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, यानी पहली भारतीय महिला कौन थी? प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। शी वॉज द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, और ये किसकी बेटी थी? जवाहरलाल नेहरू की, इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और जवाहरलाल नेहरू कौन थे? इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इंडिया फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। बचेंद्री पाल इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। और बचेंद्री पाल कौन थी? फर्स्ट इंडियन वुमेन, यानी भारत की पहली महिला, इंडिया की फर्स्ट वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और उस पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बचेंद्री पाल। इसके अलावा भी देखो, श्रीमती प्रतिभा पाटिल वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो थी वो क्या कौन थी? वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, यानी पहली भारतीय राष्ट्रपति थी इंडिया की। थैंक यू।